कोरोना महामारी का दंश झेल रहे मरीजों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसमें उनका कहना है कि मरीजों को क्वारंटीन नहीं कैदी बनाकर बंद कर दिया गया है। रामा मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए एडमिट किए गए कोरोना मरीजों ने अपनी असुविधाओं का दुखड़ा बताया है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से मिलने वाली धनराशि का बड़ा घपला किया जा रहा है। भैया, क्या आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोग संतुष्ट हैं इस सेंटर से? क्यों भैया, आप लोग संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट हैं यहाँ से? सेटिस्फाइड हैं? नहीं है सेटिस्फाइड? ठीक है सर। बहन जी, आप सेटिस्फाइड हैं? कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। भैया, आप कोई टेस्टिंग नहीं है, दवाई मांगते रहे, दवाई मिलती नहीं है। आप कितना कहते रहिए, एक डॉक्टर आएगा, आपसे लिख के ले जाएगा, फिर 3 घंटे बाद दूसरा, फिर जाओ पूछो तो तीसरा निकल के आएगा और शाम हो जाएगी, आपको अभी दवाई नहीं होगी। मैं 5 दिन से एक दवाई के लिए कह रहा हूँ और मुझे दवाई नहीं मिली। यहाँ पे बस बंद कर रखा कैदियों की तरह, कैदी बना के रखा हुआ है यहाँ पे, कोई फैसिलिटीज नहीं। जबकि गवर्नमेंट आप लोगों के लिए 1,40,000 रुपये रिलीज कर रही फंड, वो आपका पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है, उसका लाभ आपको मिलना चाहिए। धन्यवाद सर, इसको आवाज़ को मैं उठा रहा हूँ, आशा करेंगे आप लोग भी अपने वीडियो से वायरल करिए। कोई आरो नहीं सर, जी 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 जी। आप लोग भैया संतुष्ट हैं? हाँ, आप लोग ऊपर भैया, आप लोग, आप ही लोग, आप ही से बात कर रहा हूँ, आप लोग संतुष्ट हैं यहाँ से भैया खाने आने से? आपको बता दें कि वीडियो के वायरल होने के बाद से कानपुर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, जिसका कयास यही लगाया जा रहा है कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग द्वारा योग निरोग केंद्र के साथ मुस्कुराए कानपुर योग अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर सुधांशु राय और योग निरोग केंद्र की योग प्रशिक्षक भावना श्रीवास्तव ने किया। डॉक्टर सुधांशु राय ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में योग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आने वाले समय में योग एक ब्रांड के रूप में पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। योग प्रशिक्षक ने योग की विभिन्न क्रियाओं और विधाओं को प्रदर्शित किया और उपस्थित जनों को योग की उपयोगिता के बारे में बताया। इस अवसर पर वरिष्ठ योग प्रशिक्षक जी एस कोस्टा, विभिन्न बेसिक विद्यालयों के शिक्षक डॉक्टर कामायनी शर्मा, डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, पंकज शर्मा सहित छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से विपिन सागर की रिपोर्ट। हरदोई के जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने कोविड 19 अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में फैसिलिटी के संबंध में मरीजों से वार्ता की, साथ ही साथ व्यवस्थाओं के बारे में CMS और डॉक्टर से भी चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में रोज हमें एक जितनी भी हमारी फैसिलिटीज चल रही हैं, चाहे वो L1 हो चाहे L2 हो, उसी के क्रम में आज यहाँ L2 फैसिलिटी का निरीक्षण किया गया। और यहाँ पे जो CMS साहब हैं उनसे डिस्कशन भी हुआ कि उनके यहाँ कोई सप्लाईज की कमी तो नहीं है, तो और जो हमारे पेशेंट्स हैं उनसे वार्ता भी करी गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि व्यवस्थाओं से तो वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर की जाए, साथ ही खाने पीने व साफ सफाई को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश दिए गए। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। हरदोई के जिला अधिकारी अविनाश कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने मुहर्रम पर कानून व्यवस्था की स्थिति पर पैनी निगाह रख और उसे मजबूत करने के उद्देश्य से शाहबाद कस्बे का भ्रमण किया। संवेदनशीलता है सभी जगह पे और इसके चलते शाहबाद पुराना कस्बा है, यहाँ भी मुहर्रम से इस समय कोरोना की वजह से काजिया रखने इत्यादि की बात है, इसी के संबंध में लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहे और इसीलिए मैं और DM साहब दोनों साथ में इसमें भ्रमण किया। नगर में व्यवस्था चाक चौबंद है, पुलिस हर जगह चप्पे चप्पे पर लगी हुई है। जितने भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पहले से पूर्व में काजिया इत्यादि दफन किए जाते थे, उन सभी स्थानों पर ड्यूटियाँ लगी हुई हैं।
एवं सभी संवेदनशील स्थानों पर भी पुलिस की ड्यूटी रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले त्योहारों में जो भी जनता है यहाँ की सहयोग करेगी और काफ़ी अच्छे से और सौहार्दपूर्ण माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल में हम इस त्यौहार को मनाने में कामयाब रहेंगे। डीएम और एसपी ने शाहबाद के उप जिलाधिकारी व सर्कल ऑफिसर को चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित कर निरंतर भ्रमणशील रहने के कड़े निर्देश भी दिए। द पंजौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। ये मारपीट का वीडियो दबंगों और रेस्टोरेंट मालिकों व उसके पुत्र का है, पर थोड़ा ध्यान से देखिए, सिर्फ एक पक्ष मारपीट कर रहा है, दूसरा पक्ष तो बचने की कोशिश में लगा है। दरअसल फरुखाबाद में भाजपा की झंडा लगी कार से आए दबंगों ने खाना खाने के बाद रुपए मांगने पर रेस्टोरेंट मालिक और उसके पुत्र को बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया। घटना में पिता और पुत्र लहूलुहान हो गए। चीख पुकार सुनकर आरोपी मौके से भाग गए। घटना के बाद आरोपी अपनी कार छोड़कर फरार हो गए, जिसमें आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ भी कर दी। पुलिस ने मौके पर आकर कार कब्जे में ले ली है। ये थाना फतेहगढ़ पर एक FIR दर्ज हुई है, जिसमें आरोप है कि रेस्टोरेंट मालिक के साथ मारपीट की गई, जिससे उनको और उनके पुत्र को चोटें आई हैं। इस मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय भेजा जाएगा। सर, किसी के नाम दर्ज VFIR भी है? जो जिन व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है उनका नाम है। हम विवेचना के बाद ये निर्धारित करेंगे कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। कोतवाली प्रभारी जयप्रकाश पाल और कर्नलगंज चौकी इंचार्ज तेज बहादुर सिंह मौके पर आ गए। उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घायल पिता पुत्र को लोहिया अस्पताल में भेज दिया गया, जहां से दुर्गेश को रेफर कर दिया गया है। अभी कोई तहरीर नहीं आई है, तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। द पंचौरा न्यूज के लिए फरुखाबाद से हृदेश कुमार की रिपोर्ट।